नमस्ते एवरीवन, मैं शीतल बाकर, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोगों के जब सुन रही हूँ, तब जाके मैं सोच रही हूँ कि काफ़ी सारी लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों होती है। आप वास्तु कंस्ट्रक्शंस करना चाहते हो, किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। पहले तो जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो तो उसी के बाद कुछ दिक्कतें आने शुरू हो जाती है। जैसे आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप कंस्ट्रक्शंस करने वाले हो, वास्तु कंस्ट्रक्शन होने दीजिए, कोई अपना इंडस्ट्री, कोई अपना शॉप, मतलब हर प्रोजेक्ट जो रहेगा वहाँ पे आप आपकी पूरी जमा पूंजी लगाने वाले हो। तो ऐसे जब जमा पूंजी आप लगाने की कोशिश करते हो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंटेड आप होते हो। फिर जब आप काम शुरू करते हो तो काम बीच में रुक जाता है, कोई एक्सीडेंट जाने अनजाने में हो जाता है, पैसा खत्म होने लगता है, लेबर भाग जाते हैं। ऐसी दिक्कतें क्यों आती है? आपकी परेशानी कम नहीं हो रही है, वो वास्तु को लेके आपकी चिड़चिड़ हो रही है, आपके घर में उस वजह से रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे उस वास्तु में क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों ऐसी प्रॉब्लम हो रही है? पहले तो आपको मैंने एक पूजा का विधि जो होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मुहूर्त देख के पूजा विधि, जिसे हम लोग भूमि पूजन भी बोलते हैं, उसका एक वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाके, इंस्टा पे जाके और ब्लॉग पे जाके भी आप देख सकते हो। तो आपको पहले तो सर्वमुख विचार पर काम करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल रखने की जगह, लेबर का रूम, पानी का हॉल, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बेस्ट आपके लिए रहेगी। तो इन सारी चीज़ों का आपके बजट के हिसाब से अगर आप डायरेक्शन रखते हो तो डेफिनेटली देखिए, आपको ये प्रॉब्लम्स तो आने वाली है, मतलब हर कोई ये प्रॉब्लम फेस करता है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। तो इसीलिए आपको अगर कम से कम प्रॉब्लम फेस करनी है तो डेफिनेटली लेबर के रूम से लेके, आपको बहुत बार ऐसे होता है कि आप पैसे दे रहे हो, आपका सब काम हो रहा है बट लेबर ही टिक नहीं रहा है, लेबर ही भाग के जा रहे हैं। अगर वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप रख रहे हो तो वहाँ पे अग्नि है, उनका दिमाग मतलब उनका दिमाग ऐसे बोलेगा कि यहाँ से दादा तो मुझे वहाँ पे पैसे मिल रहे, तो वो निकल जाएंगे। तो बहुत बार ऐसे होता है कि उनके रखने की जगह, जब आप लोग कंस्ट्रक्शन करते हो तो आप एक छोटा सा रूम टेम्प्रेरी बना के देते हो, तो वो रूम भी कहाँ पे बनाना चाहिए? पानी का हौद, बोर हम लोग कभी कभी ले लेते हैं, वो अंडरग्राउंड होता है, बट कभी कभी और एक्स्ट्रा पानी लगता है, इसलिए आप वहाँ पे कभी कभी ऊपर टैंक भी रख लेते हो, बट वो टैंक ही गलत होगा तो डेफिनेटली दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेगी। गलत डायरेक्शन पे गलत चीजें होगी तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए पहले जब आप ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शंस पहले करने वाले हो, कंस्ट्रक्शंस के पहले ये सारी चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा, तब जाके आपको दिक्कतें कम आएगी और यस, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द ही बनेगा, जितने जल्दी आप बनाना चाहते हो उससे भी बहुत जल्द आप